गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवाणी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बीएससी सेमेस्टर 1 की फिजिक्स को। और आपका चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? थर्ड चल रहा था यूनिट 2 का, जिसका नाम क्या था? वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वेक्टर इंटीग्रेशन करा रहा था और मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, लास्ट जो हमारा था वो डाइवर्जेंस थ्योरम हुआ था, मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम आपको विद प्रूफ करवा दी थी। आज जो हमारे बचे, आज जो हम मैं करवाऊंगा वो आज मेरी साइड से आपका चैप्टर पूरा फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, मेरी साइड से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी साइड से तब होगा जब आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारे डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और चैप्टर आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन। तो देखो, जो मेरे सामने पहला क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बोल रहा है, मेरे साथ साथ आप नोट कर लेना, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी, कि इफ एस इज द सरफेस, इज द सरफेस, द सरफेस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देन cos डाइवर्जेंस थ्योरम शो दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ r डॉट n ds बराबर होता है आपका 108 पाई के। ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये जो r है ये आपका वेक्टर है, या आपका r जो है ये वो वाला वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा से बता देता हूं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या होती है। वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी आपको, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज गिवन एज, गिवन बाय क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, यहां पर आपको वेक्टर क्या गिवन है, ये आर वेक्टर है। तो सबसे पहले मैं आर वेक्टर को नेट कर लूंगा, क्या एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तरीके से मैं क्या कर लूंगा, इसको लेट कर लूंगा। अब देखो आपके पास यहां पर जो आपके पास सरफेस गिवन है, जो क्लोज सरफेस गिवन है, जिसके आपको, ठीक है, जिसके आपको वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, वो क्या है, वो आपके पास है एक स्फीयर। और आपको स्फीयर का फॉर्मूला पता होगा क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर होता है। तो जब आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, इसका भी यूज होगा, तो आपकी रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो जब मैं डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग एफ की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, एफ की जगह पर आर आ जाएगा, और इधर भी एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा क्या, क्योंकि मुझे आर डॉट एनडीएस निकालना है, मतलब वही आरडीएस निकालना है, तो मैं क्या ले सकता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले सकता हूं। तो मैं इधर से इसका सॉल्यूशन शुरू करूंगा। चलो तो फिर बच्चों करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं रिमूव करता हूं। चले ठीक है, देखो इसका सरफेस इंटीग्रल हम कर रहे हैं, हमको चाहिए किसकी वैल्यू, आर एन डी एस की वैल्यू, इसके बराबर हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आप किससे डिनोट करते हैं डाइवर्जेंस को, करली एक्स आई कैप, करली वाई जे कैप के कैप, और आर आपके पास क्या गिवन है, अभी हमने लेट कर लिया क्या, एक्स आई जे कैप।
ठीक है, तो जब मैं उसकी यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में टीचर मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिख देता हूँ जो अच्छे से दिख जाए आपको। तो सरफेस इंटीग्रल आर एन वेक्टर डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस। अब आपको लिखना है कैसे लिखोगे आप, डाइवर्जेंस आपको मैं करवा चुका हूं, ठीक है, ये आपका पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर बेस्ड था जहां पर मैंने आपको करवा दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से करवाए थे, ठीक है, तो इसमें आई गेस आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और डी वी, तो बच्चे शुरू करते हैं आप। अब जब आप क्या करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी, डी एक्स बाय डी एक्स आई आई डॉट आई वन हो जाएगा प्लस डी वाई बाय डी वाई प्लस डी जेड बाय डी जेड और क्या डी वी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा वन प्लस वन थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी। तो अब आप ये आपका डीवी जो है वॉल्यूम इंटीग्रल बनके क्या बचेगा, सिर्फ वी ही तो बचेगा, इसको मैं 3v लिख सकता हूं। भाई ये कैसे हुआ, देखो जब हम लीनियर इंटीग्रल करवाते थे, जब हम लाइन इंटीग्रल करवाते थे तो आपका क्या होता था, लाइन इंटीग्रल में dx का x बन जाता था, सरफेस इंटीग्रल में आपको डबल वो चाहिए होता था, तब आपका क्या होता, क्योंकि ये जो ds है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर या तो ये dx dy रिप्रेजेंट करता है या फिर dy dz। तो इस तरीके से भाई पहले dx का x बन जाता है फिर दूसरे वाले में dy का y बन जाएगा, तो इस तरीके से xy बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम वाले में आपका क्या होगा, dv की जगह xy z तीनों बाहर आ जाएंगे बारी बारी, और x into y into z यानी length into breadth into height आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और ये वॉल्यूम किसका है, आपको सरफेस क्या दे रखी है, आपको स्फेरिकल सरफेस दे रखी है, कैसी सरफेस दे रखी है, स्फेरिकल सरफेस दे रखी है, और आपका वॉल्यूम क्या दिया, वॉल्यूम कैसे निकलता है, स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, तो चलो हम ऐसे लिख देंगे पाई आर क्यूब, आर आपको मैंने अभी फाइंड करके दिखाया था, आर आपका क्या था 3, यानी 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, तो जब ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 27 फोर्स आपका क्या होता है 108, क्या होता है 108, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 108 पाई, और यही आपको प्रूफ करना था कि ये वैल्यू आपके इसके बराबर आ रही है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आपको इवेल्युएट करना है dv, जिसमें आपका जो रीजन दे रखा है ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन coordinates plane and the plane 2x plus 2y plus z बराबर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है क्या, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको आपका डेल एफ चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको डेल एफ चाहिए। डेल एफ आप निकालोगे तो वो किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, और क्या है आपका एफ, क्या गिवन है एफ, आपको गिवन है, मिस कर दिया मैंने, आपको एफ भी गिवन है,
ठीक है, आपको मैं एक बार बता देता हूं, एफ आपको क्या गिवन है, एफ आपका गिवन है टू टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, वेयर वेयर जो आपका एफ है वो बराबर किसके है, 2x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर i कैप माइनस 2yx j कैप माइनस 4x k कैप, इसके बराबर है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम आगे चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए डेल f। तो पहले डेल f की वैल्यू निकालते हैं, डेल f क्या होगा, ये आपका आई कैप जे कैप के कैप, और क्या एफ की वैल्यू आपकी क्या है, टू एक्स स्क्वायर आई टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप माइनस फोर एक्स एक है, ये वैल्यू। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे शुरू करूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट से, चले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आई डॉट आई तो आपका वन बन जाएगा, तो आपका डेल एफ की वैल्यू क्या आएगी, आई डॉट आई आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका, कर ली टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस कर ली माइनस का टू एक्स माइनस का टू एक्स वाई और प्लस कर ली माइनस का फोर एक्स के क्या, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना, इस वाले पोर्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर एक्स। डिफरेंशिएशन करा है सिंपल, कौन सा, जब आपको एक्स की पावर एन का एन की एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, किससे किससे करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वही वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। सो ये टू जो है आ जाएगा, तो टू टू सा फोर हो जाएगा, एक्स और टू माइनस वन वन, तो सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। फिर ये माइनस बार आ जाएगा, टू बार आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, सिर्फ वाई, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन होता है। और देखो यहां पे तो जेड है ही नहीं, ऊपर ऊपर जेड कहां है, ऊपर तो जेड ही नहीं है, ऊपर जेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और जब फोर एक्स माइनस टू एक्स होगा तो आंसर क्या आएगा, टू एक्स। ये आपकी क्या ही है, ये आपकी आई है डेल एफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डेल एफ की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ जस्ट हमको लिमिट्स फाइंड करनी है। आपको क्या करनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है। बच्चों मैं एक बार को देख लेता हूं, हमारे पास फिगर क्या गिवन थी, फिगर मेरे पास गिवन थी 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 4, ये मेरे पास फिगर गिवन थी। तो अगर मान लो, ठीक है, अब मुझे, अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, अब मेरे पास तो इसकी वैल्यू आ गई 2x और क्या हो जाएगा dv। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिमिट्स चाहिए x y z, तो मैं लिमिट्स, अगर तो सबसे पहले मुझे लिमिट्स चाहिए तो मैं लिमिट फाइंड करता हूं। सो लिमिट्स ऑफ एक्स, जब मैं एक्स की लिमिट फाइंड करूंगा, एक्स की लिमिट फाइंड करूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो मैं वाई और जीरो को, वाई और जेड को क्या रखूंगा, जीरो के बराबर रखूंगा, ठीक है। तो मेरी एक्स की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर टू के आएगी, और लिमिट्स ऑफ वाई मेरी क्या आएगी। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अब मैं z को जीरो रख दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं y के लिए क्या कर रहा हूं, एक्स वाई प्लेन को देख रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, y बराबर जीरो टू y बराबर कितना, y बराबर टू माइनस एक्स, और लिमिट्स ऑफ z क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी लिमिट्स ऑफ z, z बराबर जीरो टू z बराबर क्या, क्या क्या, 4 माइनस टू एक्स माइनस टू वाई,
ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, मेरी लिमिट्स। तो अब मैं इन लिमिट्स को जब पुट करूंगा, ठीक है, जब मैं इन लिमिट्स को पुट करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अरे वो मिस हो गया, ठीक है, हल्का सा बैक करके फटाफट से आप ये जो पोर्शन था इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको निकालने की इसकी वैल्यू थी, अब आप लिमिट पुट करेंगे, सॉरी, तो पहले x की लिमिट x बराबर कहां से, 0 टू x बराबर 2, दूसरा y बराबर 0, तो y बराबर कितना 2 माइनस x, z बराबर 0, तो z बराबर 4 माइनस, तो z बराबर 4 माइनस 2x माइनस 2y, और कितना था 2x dx dy dz। शुरू करते हैं इसका इंटीग्रेशन, वही अब धीरे धीरे इसका बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, चलो। तो देखो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा x बराबर 0 टू x बराबर 2, और क्या y बराबर 0 टू y बराबर 2 माइनस x, और 2x तो आपका कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा इधर, और क्या हो जाएगा z हो जाएगा आपका, कि पहले हम z के रेस्पेक्ट में करवा रहे हैं, ठीक है, तो dz का z हो जाएगा, और लिमिट्स क्या क्या है 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y, और क्या बचेगा dx dy। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ये निकालनी थी, इसको मैं आप किस तरीके से लिख सकता हूं, 0 टू 2, 0 टू 2 माइनस x, और क्या हो जाएगा ये 2x, और कितना 4 माइनस 2x माइनस 2y, कितना dy dx, ठीक है, dy dy dx, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब 0 टू 2, और क्या हो जाएगा 2x तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2xy हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2। देखो बच्चों मैंने सिंपल क्या करा, मैं आपको बताता हूं मैंने करा क्या है, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी तो मैं बता देता हूं। देखो इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x की पावर n का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो जब मैं बाय पार्ट्स में करता तो देखो किस तरीके से करता, यहां पे 4 था तो 4 की जगह साथ क्या आ जाता dy का y आ जाता, y हो गया, अब ये 2x कांस्टेंट था जो dy से होता तो यहां पर y आ जाता माइनस, अब ये y dy था तो y की पावर ऐड होती 1 प्लस 1 2 हो जाती 2, डिवाइड में भी कितना आता 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट आपका क्या बचेगा y स्क्वायर, और क्या अब आप इसकी लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स आपकी क्या है 0 टू 2 माइनस x, 0 टू 2 माइनस x, और क्या बचा आपका dx। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लिमिट पुट करूंगा इसकी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट से, डन, चलो। तो ये आपकी हो जाएगी 0 टू 2 टू एक्स, चले हम इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4 2 माइनस एक्स माइनस 2x 2 माइनस एक्स, और कितना माइनस का 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी यानी आपका क्या होगा 0 टू 2 टू एक्स 8 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, अब इसे खोलते हैं क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x, यानी आपका किस तरीके से ओपन होगा 0 टू 2 टू एक्स 8 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4
माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस फोर एक्स। तो यहां देखो आपका फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल, फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल, ठीक है। और ये आपका क्या है, फोर एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो टू 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 एक्स, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपका क्या है, ये आपका क्या है माइनस फोर एक्स, और कहीं पे भी आपका फोर एक्स नहीं, ये वाला जो था कैंसिल आउट हो गया था। तो क्या बचा, ये हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है, ये इसे देखो और इसे देखो, ये हमने सोल्व कर लिया है। अब हमारा क्या है माइनस का फोर एक्स, तो ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहां पर देखो आपका क्या बचा, सिर्फ एट और माइनस फोर, तो क्या आया आपका प्लस फोर। और बाहर क्या बचा था आपका डी एक्स, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, चले आगे। तो बच्चे इससे पहले आगे बढ़े थोड़ा सा एरर वो सही कर लेते हैं। देखो यहां पर टू एक्स था और यहां पर एक्स था, तो जब आप करते तो क्या होता, ये होता टू एक्स स्क्वायर माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये आपका सिर्फ टू एक्स स्क्वायर होता। इधर भी आपका क्या होता टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचता, ये होगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप सही कर लें, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। चले तो आगे बढ़ा जाए, लिमिट्स आपकी क्या क्या है, जीरो टू टू, टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर डी एक्स, ठीक है। वापस से सेम वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, पहले चलो इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जीरो टू टू क्या हो जाएगा आपका टू एक्स पावर थ्री माइनस फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर और प्लस एट एक्स और क्या साथ में डी एक्स। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन होगा, ये 2x की पावर 4 बाय 4 माइनस 8x की पावर 3 बाय 3 और प्लस 8x स्क्वायर बाय 2 और 0 टू 2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 4 टाइम्स, यानी x की पावर 4 बाय 2 माइनस 8x की पावर 3 बाय 3 प्लस 4x स्क्वायर। और x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, अब लिमिट्स, x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे लिमिट्स। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलो ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट्स पुट की जाए बच्चों, क्या की जाए लिमिट्स पुट की जाए, लिमिट्स कैसे पुट करी जाएंगी, x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आपकी क्या होती है 16 बाय 2 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8 बाय 3 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 सिंपल 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 64 बाय 3 प्लस 16, एलसीएम लो 8 3 जाए 24 माइनस 64 प्लस 16 3 जाए 48 बाय 3, यानी आपका कितना आ जाएगा, ये 48 प्लस 24 कितना होगा 12 1572 माइनस 64 बाय 3, यानी कितना आएगा आपका 8 बाय 3, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 8 बाय 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे बच्चों, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन आए, होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही रखूंगा, आपका ये वाला चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो चुका है वेक्टर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आपका देखता हूं आपका कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो आपका यानी अब जो मैं आपका चैप्टर चलाऊंगा ये मेरे ख्याल से यूनिट 2 का आपका लास्ट चैप्टर है ना, ये आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है, वेक्टर कैलकुलस है ना आपकी यूनिट 2, इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। जिसका नाम क्या है, डायराक डेल्टा फंक्शन, मैं आपको बताऊंगा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डायराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। फटाफट से इसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो तो मुझे
डेफिनेटली आप कमेंट कर मुझे बताना, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना कि डाउट चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो आप कर रहे हैं ये चीजें नहीं, टॉपिक से रिलेटेड डाउट। जितना आप हमें टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना, हम आपके डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा पढ़ाना भी फिर सक्सेसफुल होगा, है ना, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। भाई हमारा मेन मोटिव क्या है, आपके लिए चीजों को आसान कर देना, काफी इजी कर देना, ठीक है। और वो कब होगा, जब आपके एक प्रॉब्लम के बारे में हमें पता लगेगा, और वो कैसे पता लगेगा, जब आप बताएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम अपनी बताते रहे, कमेंट करके बताते रहे कि सर क्वेश्चन से मुझे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला टॉपिक में समझ में नहीं आया, या फिर यहाँ पर मेरे टॉपिक में डाउट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका डाउट जो है उसे क्लियर कर दूंगा। खैर आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।